हेलो कैप्रिकॉर्न से रीडिंग आपके लिए है। हम वन बाय वन जानेंगे क्या कहते हैं कार्ड्स फॉर योर लव लाइफ एंड ऑल्सो जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी। सबसे पहली चीज़, कहीं ना कहीं जो एनर्जीज दिख रही हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न्स की, आप सैड हैं। मे बी आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको कुछ सी झगड़े की वजह से, किसी बात की वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, आपसे उतनी बात नहीं करी। अगर झगड़ा हो गया, सो यू नो कई बार होता है हम झगड़ा करके चले जाते हैं, हम बात नहीं करते, हम कॉल रिसीव नहीं करते हैं, तो उस तरीके की एनर्जीज देती हैं जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को मिस भी कर रहे हैं और उनसे बात भी करना चाहते हैं। एक और चीज़, आप इन जनरल भी मुझे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं सैड एंड अपसेट दिख रहे हैं। मे बी आप भी ऐसे हो चुके हो कि अभी आपको भी किसी से न्यू कनेक्शंस नहीं बनाने हैं, आप भी बहुत ज़्यादा सैड है, अपसेट हैं, एंड कोई ऐसी खास इच्छा नहीं है कि हम न्यू रिलेशनशिप में जाएँ या जो रिलेशनशिप है उसको बड़ी एनर्जी से हम ठीक कर सकें। और लाइक यू नो आपका खुद का दिमाग ख़राब हो चुका है ना, आप ऐसे हो चुके हो कि भैया हम अंदर से सैड है, हमें किसी से बात नहीं करनी है, अगर खुद ठीक हो तो ठीक है, नहीं तो यू नो जस्ट लीव इट। तो आपकी खुद की एनर्जी जैसी भी पड़ेगी, आप बहुत ज़्यादा सैड एंड अपसेट हैं। एंड ऑल्सो मे बी मुझे इसका कारण ऑफकोर्स ये दिखता है कि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स चल रही है, उस तरीके का है। वहीं अगर आपके पार्टनर की देखते हो तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी रूड एंड स्ट्रिक्ट एनर्जीज उनकी दिख रही हैं, जहाँ पर वो परेशान हैं, सैड हैं, ये उनकी वाइब्स कहीं ना कहीं दिखती हैं। मोस्टली जब भी ऐसे केसेस होते हैं तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि पार्टनर शायद से काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न हुए पड़े, रूड हुए पड़े, कोई चीज़ आपकी समझ नहीं पा रहे, अपनी बात को पकड़ के बैठे, ये सारी एनर्जीज दिखती हैं। आगे अगर हम चलते करंट एनर्जीज के हैं तो करंट एनर्जी में वेटिंग दिखती है, जैसे कि आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो। और अगर इंतज़ार भी नहीं मैं कहूँ तो एक रिलेशनशिप में होते हुए भी एक बोर्डम है, एक चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, क्लैरिटी नहीं है, आप एनालाइज नहीं कर पा रहे चीज़ों को। तो ऐसे होता है ना कि हम जैसे छोटे बच्चे होते हैं, खिड़की से बाहर निकल कर देखते हैं, बोर होते हैं कि उनकी लाइफ में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, नहीं तो बड़ी सारी ओवर थिंकिंग चल रही है बट कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं आपके लिए फ्यूचर आउटकम कार्ड देखूँ तो यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ये बताता है कि देखो ऑनेस्टली अगर कम्युनिकेशन की मैं बात करूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या दिसंबर मंथ में कैप्रिकॉर्न्स के लिए कम्युनिकेशन हो जाएगी? तो येस, कम्युनिकेशन होती हुई दिखती है, रूड हो सकती है या थोड़ी सी कम्युनिकेशन हो सकती है, बड़ी कट टू कट हो सकती है, बट यस कम्युनिकेशन होती हुई दिखती है। तो अगर जैसी भी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रही है तो जस्ट कंटिन्यू इट, वो आपके लिए अच्छा होगा, वो धीरे धीरे हार्मनी में आ जाएगा, बट स्टार्टिंग थोड़ी सी चैलेंजिंग लग सकती है बट वो धीरे धीरे बेटर एंड अच्छी हो जाएगी। वहीं अगर हम आगे चलते हैं कि यू नो ऑल ओवर अगर हम देखें क्या किसी का कमबैक आता हुआ दिख रहा है, क्या किसी से हो सकती बात, तो अगेन कैप्रिकॉर्न्स हर तरीके से चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, बट जब हम बात करते हैं रिकवरी की, कम बैक की, क्या अच्छे चांसेस, देखो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स नहीं है कम बैक के, लेकिन हाँ नो भी नहीं है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड माना जाता है जो ये वाला है, ये कहता है कि भैया न्यू बिगिनिंग हो सकती है। सो ऑफकोर्स एक पॉजिटिव साइन है हर सिचुएशन के लिए कि जो भी चीज़ें रुकी हुई थी और अटकी हुई थी, वर्कआउट नहीं हो रही थी, वो अब स्टार्ट होंगी, मूवमेंट में आएंगी एंड कुछ कम्युनिकेशन होकर स्टार्ट होगी। इट्स लाइक अ वेरी न्यू बिगिनिंग। तो मैं ये नहीं कह सकती कि भैया ये बिगिनिंग होकर आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा, बट अगर बहुत ही नेगेटिव कार्ड्स हैं तो मैं कहती कि भैया इम्प्रूवमेंट भी नहीं है, मूवमेंट भी नहीं है, बात भी नहीं है, इट्स गोना जस्ट कंटिन्यू। बट एस ऑफ स्वॉर्ड्स हमें इंडिकेट करता है कि समथिंग न्यू, कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ ब्लेसिंग्स, उसमें डिफिकल्टीज चैलेंजेस हो सकते हैं बट ये समथिंग न्यू। सो हर तरीके से एक पॉजिटिविटी की तरफ भी लेके जा रहा है और ये कहीं ना कहीं दिसंबर मिड में भी पॉसिबल है, ये चीज़ें देखी जा रही हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ जो हमारे सिंगल्स हैं कैप्रिकॉर्न्स, उनके लिए क्या गाइडेंस है, सिंगल कैप्रिकॉर्न्स के लिए काफ़ी अच्छा मंथ है ये, जो लोग भी सिंगल्स हैं मैरिज के लिए देख रहे हैं, उनकी फैमिली में शायद किसी की मैरिज है नियर बाई की, या फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, उनके दोस्तों के साथ गेट टुगेदर हो सकता है, जिसके ऊपर उन्हें क्रश है उनके साथ मिलना जुलना हो सकता है, कोई नया रिश्ता, नए दोस्त, नए रिलेशनशिप्स, नए रिश्ते कुछ भी बन सकते हैं। वेरी वेरी गुड मंथ फॉर ऑल द सिंगल कैप्रिकॉर्न जितने भी, बड़ा ही शुभ है, अच्छा पीरियड है। एंड अगर मान लीजिए इस तरीके की एनर्जीज आपको नहीं भी लगती तो ये समझ लीजिए कि अगर आप एक सिंगल पर्सन से अट्रैक्टेड नहीं है, सो इन जनरल भी आपका आपके फ्रेंड के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड होगा, काफ़ी अच्छा गेट टुगेदर होगा, मतलब अपने में खुश रहोगे। मुझे सिंगल कैप्रिकॉर्न्स की लव लाइफ में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं, विल बी हैप्पी गो लकी, खुश रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है कोई। और अगर मान लीजिए कोई रिश्ते भी देख रहे हो तो बड़ी अच्छी पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि कहीं बात पक्की हो सकती है, किसी नए से मिल सकते हो, किसी से नए से मिल के आपको अच्छा लगेगा, पॉजिटिविटी फील होगी। सो हर तरीके से काफ़ी अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए इन ऑल दी सेक्टर्स जितने भी सिंगल्स हैं। गाइडेंस कार्ड की बात करें तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड है बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी।
इस कार्ड का मतलब ये कहीं ना कहीं लड़की जैसे ही अपनी दुनिया खुद बसाने की कोशिश कर रही है, अपने आप को समझने की कोशिश कर रही है, शायद उसको दूसरे नहीं समझ पा रहे तो वो खुद के ऊपर काम कर रही है कि ठीक है मैं अगर कोई ना मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहा है इस वक्त में तो मुझे खुद को इम्पोर्टेंस देनी है, मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, तो वो दूसरों से फोकस हटाकर अपने ऊपर फोकस कर रही है। तो यू नो मैं सेम सजेशन दूंगी कैप्रिकॉर्न्स को भी, अगर आपकी लाइफ में आपके पार्टनर इस वक्त में आपको नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, मे बी कैप्रिकॉर्न सभी का टाइम है कि आप दूसरों को समझाना अभी छोड़ दें, आप खुद को समझाएं, खुद को काउंसलिंग दें, खुद को अच्छे से रहे खुद के साथ, एंड जो प्यार आप दूसरों से उम्मीद करें वो सेम प्यार आप अपने आप को दें कैप्रिकॉर्न्स इन दिस मंथ, वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा माना जाएगा। बिकॉज यहाँ पे लिखा है बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, इसका मतलब ये होता है कि कई बार हम लाइफ में दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं। नो आई थिंक इस मंथ की सारी कार्ड की रीडिंग्स में ऑलमोस्ट सिमिलर गाइडेंस कार्ड्स ही हैं, बिकॉज डेक ही थोड़ा सा ऐसा है कि इट एम्पावर्स यू टू बी इंडिपेंडेंट इमोशनली, तो इसीलिए वो गाइडेंस कार्ड का रूप कहीं ना कहीं वो सिम्बलाइज जरूर करता है। सो अगेन कैप्रिकॉर्न सजेस्ट करूँगी इन दिस मंथ, अगेन ट्राई योर बेस्ट कि आप खुद का ख्याल रखें, खुद को समझ सकें, जो चीज़ आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं वो आप उतना पैम्पर आप खुद को भी करें, एंड याद रखिएगा शायद आपको कोई उतना ज़्यादा हर्ट नहीं कर सकता जितना आप खुद को करते हैं। तो दूसरों के कहे गए शब्द, दूसरों के किया गया बिहेवियर को कुछ ज़रूरी वक्त से ज़्यादा हर्ट अपने आप को ना होने दें, मैं सजेस्ट करूँगी आप सभी को, हो सके तो हर्ट ही ना होने दें। सो अपना ख्याल खुद रखिएगा कैप्रिकॉर्न, से आपके लिए सजेशन है इन दिस मंथ। रिकवरी की बात करें, जो हमारा मोटा मोटा काम होता है कि भैया लव रिलेशनशिप में कैसा जाएगा मंथ, अगर प्रॉब्लम है तो रिकवरी होगी ही नहीं होगी, तो देखो अगर प्रॉब्लम है तो रिकवरी दिखती है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है सो माइनर मिसकम्युनिकेशन हो सकते हैं, तो अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान दीजिएगा, बड़े ज़्यादा यू नो मिसकम्युनिकेशन करना इज़ नॉट सजेस्टेड, अगर कहीं आर्ग्यूमेंट हो रही जस्ट इग्नोर इट, रेस्ट अगर छोटी मोटी हो भी जाए चलो प्यार मोहब्बत में हो जाती तब भी कोई चिंता की बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगी, बड़े मेजर प्रॉब्लमेटिक कार्ड्स नहीं है, सो नथिंग टू वरी कैप्रिकॉर्न्स, रेस्ट बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी कैप्रिकॉर्न, दिस इज सजेशन फॉर यू। सो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल है, डेली टैरो रीडिंग टिप्स चाहते हैं सो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। थैंक यू सो मच।